वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस वाले मामले में इनकम टैक्स विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस मामले में बयान देना चाहते हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और अभी देश में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं देंगे। इनकम टैक्स विभाग मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और तमाम शक्ति और दावे ओपन है। वही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई जुलाई के लिए टाल दी है। अब अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। वही कांग्रेस की ओर से इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा पेश हुए थे।